बहुत सारे होंगे। वाटर स्पोर्ट्स को काफ़ी प्रमोशन दिया जाएगा और झेलम तो ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, डल में भी होगा, साथ में मानसबल, वुलर और रंजीत सागर डैम में भी इसको काफ़ी ज़ोर से प्रमोट किया जाएगा। इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, लोगों जो यंग हैं लोग हैं उनमें एक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने से उनमें एक अच्छी फीलिंग भी आएगी, तो इनको हर तरह से प्रमोट किया जाएगा। दूसरा, आप लोग जानते होंगे कि जो भी बीता हुआ साल है उसमें 17 लाख से ज़्यादा बच्चों ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, जो अब तक का हाईएस्ट एवर है, और इससे ज़्यादा इस साल पार्टिसिपेट करेंगे लोग। इस तरह की एक्टिविटीज से, इस तरह के इवेंट से क्या कुछ बच्चों को फ़ायदा होने वाला है आगे? हम लोग शुरुआत करेंगे गांव से, तो हर एक पंचायत में एक प्ले फील्ड बना दी गई जिसके बारे में आप लोग अंदाज़ा होगा। हो सकता है कि वह प्ले फील्ड बिल्कुल स्टेडियम की तरह से नहीं हो, लेकिन हर एक पंचायत में एक प्ले फील्ड बना दी गई है। हर एक पंचायत में पंचायत लेवल एक्टिविटी होती है, बाद में ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल और यूटी लेवल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो सभी जगह में, पूरे जम्मू कश्मीर में, मैं तो बहुत जगह जाता हूँ, तो लोग बच्चे खेलते हुए दिखते हैं तो अच्छा लगता है। ये हमारा स्टार्ट ऑफ सीज़न, जो हमारा माय यूथ माय प्राइड के तहत हम जो स्पेशल एक्टिविटीज़ करा रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। आज हमारी कश्मीर डिवीज़न की जो एक्टिविटीज़ है माय यूथ माय प्राइड के तहत, फर्स्ट एक्टिविटी हमारे फर्स्ट एवर कैनो स्लालम, ये कैनो स्प्रिंट रेस से हो रहा है। पहली बार ये इवेंट हो रहा है झेलम में। हमारे 40 लड़कियां, 60 लड़के, 100 प्लेयर्स आज यहां जीरो ब्रिज से लेके गणपतियार तक रेस करेंगे। आप देख रहे होंगे अभी पुल पे, यहाँ उस पुल पे, इस पुल पे या बैंक्स पे स्कूली बच्चे, बाकी आम शहरियों को हमने यहाँ पे दावत दी है। बिकॉज हम सबका मानना है और ये एक फैक्ट है, स्पोर्ट्स हैज़ द पावर ऑफ चेंज। हम चाहते हैं बच्चे ड्रग्स से दूर रहें, हम चाहते हैं कि बच्चे स्पोर्ट्स के माध्यम से नेशन बिल्डिंग में, सेल्फ बिल्डिंग में अपने आप की मदद करें। कितना इम्पॉर्टेंट है, खासतौर जबकि देखा जाता है कि यूथ जो है वो गलत एक्टिविटीज़ में जा रहा है, ड्रग्स वगैरह की तरफ जा रहा है, तो कितना एंगेज करना यूथ को एंगेज करना बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारी नौजवान पीढ़ी है, हमारा कौम का एक मीरास, हमारा बच्चा होता है। एज अ पेरेंट मैं सबसे अपील करती हूँ आपके मीडियम से, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोचिंग फैसिलिटीज़ है, या ऐसे इवेंट्स की तरफ इनको अट्रैक्ट करवाए। हैंड होल्डिंग है सरकार की भी, लेकिन स्पोर्ट्स एक मिशन की तरह चलाए, उसमें आप, पेरेंट्स, समाज का हर हिस्सा, गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट मुलाजिम, हम सबका रोल बनता है अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लाएं, ताकि